You call up my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस में आए हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम हैं विक्टोरिया मेमोरियल। जी हाँ, विक्टोरिया में हैं, आप देख पा रहे हैं, विक्टोरिया कोलकाता। इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। दोस्तों अभी हम लोग फोर्ट विलियम के ऑपोजिट साइड में खड़े हैं और यहाँ से हम लोग विक्टोरिया के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों विक्टोरिया जाने के रास्ते में हमको बहुत सारे घोड़ा गाड़ी दिखाई दिया, आप चाहे तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। चलिए इसके पास चलते हैं और इनसे इनका किराया पूछते हैं। चालकों से बात किया मैंने तो पता चला कि 500 रुपए किराया देके आप घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। करीब करीब 35 मिनट से 45 मिनट आप इसकी यात्रा कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं सुबह 11 बजे से 6 बजे के बीच तो आप यहाँ पे घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग विक्टोरिया के पास पहुँच गए हैं। ये देखिए विक्टोरिया का जो मेन गेट है। चलिए हम लोग टिकट लेते हैं। ये देखिए टिकट हम लोगों ने खरीद लिया है, एक पर्सन पे 20 रुपया टिकट का प्राइस है। फिलहाल विक्टोरिया म्यूजियम बंद है तो हम लोग गार्डन का आनंद लेंगे, पैलेस को देखेंगे पास से और इससे रिलेटेड काफी जानकारी आपको देंगे। ये देखिए रास्ते में छोटे छोटे स्टोन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए विक्टोरिया पैलेस। हम लोग फिलहाल काफी दूर हैं, चलिए इसके और पास पहुंचते हैं। ये देखिए गार्डन का एरिया आप देख पा रहे हैं। इसका जो गार्डन एरिया है उसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आप यहां पे आ सकते हैं। बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत लोग प्री वेडिंग के लिए या बहुत लोग गार्डन को एंजॉय करने के लिए यहां पे आते हैं। आप टिकट का जो प्राइस है 20 रुपये उसको दे के आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। आपको बता दूँ कि ये जो गार्डन है वो पूरे साल खुला रहता है, कोई इसका वीक ऑफ नहीं है, तो आप किसी भी दिन आके इसका आनंद ले सकते हैं। इसका जो म्यूजियम एरिया है वो इस पैलेस के अंदर है, उसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। ये सोमवार और नेशनल हॉलीडे में बंद रहता है। फिलहाल ये कोविड-19 की वजह से बंद है, तो आप अगर इस वक्त आते हैं तो आप गार्डन एरिया में ही घूम सकते हैं। दोस्तों इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बताऊं तो ये मैदान एरिया में पड़ता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू रोड या चौरंगी रोड के बहुत करीब है।
दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल के थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस पैलेस का जो निर्माण है वो 1906 से 1921 के बीच हुआ। तो आज के साल 2021 के हिसाब से इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल। तो आप सामने लॉर्ड कर्जन की स्टैचू देख पा रहे हैं। इन्होंने ही विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों इसका जो गार्डन एरिया है ये बहुत बड़ा है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। आप फैमिली के साथ बहुत अधिक संख्या में भी यहाँ पे आ सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं। दोस्तों विक्टोरिया के आसपास और बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसका मैंने सेपरेट ब्लॉग्स बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर उस ब्लॉग को देखेंगे तो आप अपने दिन की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 100 साल कंप्लीट होने की याद में एक बलून भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।